हेलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो आपका पेपर था फिजिकल एजुकेशन का, इस पेपर का सॉल्यूशन फ्रेंड लेके आ चुके हैं। जैसा आप सभी से कहा गया था फ्रेंड कि आप सभी के लिए सबसे पहले यूट्यूब पे सॉल्यूशंस दिया जाएगा आपके चैनल पे दोस्तों, तो फिर से चलिए देखिए बिना टाइम वेस्ट के पर हम चलते हैं सॉल्यूशंस पे। जैसे आप भी देख पाए कि हाँ आज हम पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले, जो फ्रेंड आपका पेपर था पूरे पेपर फिर आपका सॉल्यूशन हम लोग फिर यहाँ पे देखने वाले हैं, जो फिर आपका पेपर था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो फिर जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप लोग के लिए आज से रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं आप सभी के लिए माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ इंग्लिश का अगला पेपर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेक करिए। इंपॉर्टेंट फ्लेमिंगो से विस्टार से क्या पढ़ के जाना है, आपकी एग्जामिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप लोग के चैनल पे आ चुका है। तो फ्रेंड जाइए, क्यों वेट करना, चैनल के लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ पे चेक करिए माय डियर। और जल्दी से पहले इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रही हैं आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड चलते हैं सीधे सॉल्यूशन फिर यहाँ पे आते हैं फिर, ठीक है ना। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, द कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द बाउंड्री वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर वो आपका ऑप्शन होगा एक्स्ट्रा मुराल, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जिन्होंने कल हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो देखी उनका फायदा, वहां पे उन्होंने डिस्कस किया था कि क्या होता है एक्स्ट्रा मुरल, और क्वेश्चन हमें इससे आ गया। तो कितनी अच्छी बात है आइडिया, कितनी अच्छी बात है। आप क्वेश्चन चेक करिए कि उन्होंने कल डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन आपका पहले का आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा मुरल क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू टोटली सेम, हमने कल डिस्कस किया था आपके साथ कि लीग टूर्नामेंट क्या होता है। तो माय डियर लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर एक टीम को दूसरे टीम के साथ खेलना पड़ता है। और हमने आपको बताया अभी था, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था फ्रेंड, हम सभी जानते हैं ICC वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो बहुत सालों के बाद पहली बार राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हुआ था, यानी हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलना था। तो इसलिए क्वेश्चन टू का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर फ्रेंड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसको फिलहाल अभी रोक रहा हूँ, ठीक है। इसका आपका जो आंसर होगा मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड, इसका आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा डाउट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फ्रेंड इसको मैं फिलहाल थोड़ा सा लिख कर रहा हूँ, ठीक है माय डियर। मूविंग हेडफोन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यहाँ पे पूछा गया था मेन सोर्स कौन सा होता है प्रोटीन का, प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में मिलता है माय डियर। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा आपको मिलता है फिश में मिलता है, मीट में मिलता है, और एग में मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा फोर्थ का, सही आंसर फ्रेंड आपका ए होगा। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए माय डियर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बात करते हैं, और फिर प्लीज वीडियो को शेयर करिए, इंग्लिश की वीडियो देखना ना भूलिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। आप साइंस के हो या नॉन साइंस के हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके चैनल पर दोस्तों मिलेगी अभी अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब। और आप लोग प्रिपरेशन करना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी, तो वह भी वीडियोस आपके चैनल पर देखने को मिलेगी माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था आपका, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द मील, मील के बाद यानी खाने के बाद आप कौन सा आसन को कर सकते हो माय डियर इमीडिएटली। तो माय डियर सही आंसर फ्रेंड इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड सही आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर डी माय डियर। चलिए इसमें से फ्रेंड कौन सा, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे कहता है कि इसमें से कौन सा आसन है जिसको हम लोग जो रेमेडियल आसन नहीं है आपके ऑबेसिटी का। तो फ्रेंड यहाँ भी क्वेश्चन बहुत संताल क्वेश्चन था फ्रेंड यहाँ पे, जी हाँ फ्रेंड मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाउट है इस क्वेश्चन सिक्स पे, बट जहाँ तक हमें लगता है इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन सकता है। वैसे देखा तो चारों हमारे मेनली यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। यहाँ पर जो भी इसका करेक्ट आपका आंसर होगा वो नीचे आपको कमेंट कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों ने क्वेश्चन सिक्स का आंसर क्या लगाया है, ठीक है। वैसे हम आपको बता देते हैं यहां पे मुझे लगता है आंसर इस क्वेश्चन का सिक्स का बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने पूछता है आपका कि SPD दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन सेवन आपका पूछता है SPD क्या होता है माय डियर। तो माय डियर स्टूडेंट SPD का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जिसे कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे आता है फिर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एट फिर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एट का आता है यहाँ पे आपका कि ADHD क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ADHD फॉर्म आपका होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आंसर सही क्या हो जाएगा एट का बी, एट का बी आपका फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंग्लिश का वीडियो दे दिया डिस्क्रिप्शन जाके चेक करिए, और इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रही है, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रही है आपकी। तो वीडियो को देखिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहते हैं एबनॉर्मल कर्व क्या होता है स्पाइन का, जो हमारा फ्रंट पे होता है माइडिया। तो माइडिया जो आपका एबनॉर्मल कर्व होता है फ्रंट में ना, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइफोसिस। इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर होगा, आपका सही आंसर क्या फ्रेंड होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड फ्रेंड क्वेश्चन में अपना फ्रेंड यहाँ पे 11 कहता है आपका कि वेट क्या होता है मेडिसिन बॉल का, गर्ल्स का, बॉयज का। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर बता दूँ आप सभी को कि जो गर्ल्स का होता है ना वो 3 kg होता है, ठीक है, सॉरी गर्ल्स का जो सॉरी जो गर्ल्स का होता है वो क्या होता है फ्रेंड, गर्ल्स का 1 kg होता है और बॉयज का जो होता है वो 3 kg होता है, ठीक है फ्रेंड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, इन्होंने यहाँ पे पाउंड दे दिया, इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, पाउंड दे दिया, ठीक है माय डियर। बट देखते हैं यहाँ पे क्या सही इसका आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है माय डियर। वैसे देखा जाए तो गर्ल्स का मेनली 1 kg होता है, ठीक है, और बॉयज का देखा जाए तो 3 kg होता है, ठीक है माय डियर, अगर बायो टेस्ट की बात करें तो। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं था, तो यहाँ पे उन्होंने पाउंड दिया हुआ है, तो मे भी यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे आंसर चलता है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे हो मे भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए या सी बन सकता है। बट हमारी ओर से लगता है कि इसको आप जो आंसर होना चाहिए वो 1 kg होता है गर्ल्स का और 3 kg होता है बॉयज का, ठीक है माय डियर। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन पे बोलता है फिर आपका यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन पे फिर आपका बोलता है कि ये सेट एंड रीच टेस्ट किस लिए माइडिया होता है। तो माइडिया देखिए क्वेश्चन 12 का आपका आंसर क्या माइडिया, सी टीज क्या होता है, सी टीज को मेनली यूज किस लिए करते हैं, सी टीज को मेनली यूज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के, ठीक है मैम, क्या किस लिए इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है माइडिया। चलिए मूविंग एड करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैम जो भी क्वेश्चन छूट जा रहा है ना, जो भी क्वेश्चन छूट जा रहा है ना, अभी जस्ट इसके बाद लाइव आ रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा पेपर एक 1x1 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए माइडिया, यूट्यूब पे सबसे पहले आपको सोल्यूशन मिल रहा है आपके चैनल पे, ठीक है माइडिया। आगे चलते हैं, स्प्रेन इस इंजरी किस होता है माइडिया, तो जो आपका देखिए फ्रेंड स्प्रेन किस होता है, आपका फ्रेन जो स्प्रेन इंजरी है माइडिया फ्रेंड आपका वो होता है लिगामेंट के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और ऑप्शन दे दिया, और मैं क्या है लेक्रेशन क्या होता है माइडिया, तो लेक्रेशन यूज करते हैं इरेगुलर कट के लिए यूज करते हैं, ठीक ना, इरेगुलर कट के लिए यूज करते हैं स्किन पर अपना जो होता है। ऑक्सीजन जो कैपेसिटी आपका होता है मसल्स का टू एब्जॉर्ब करता है और कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं माइडिया इसको, तो फ्रेंड 14 का आपका आंसर फ्रेंड हो जाएगा, वो आपका ऑक्सीजन इनटेक हो जाएगा, ठीक है माइडिया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एस्केलेशन आपका जो ऑब्जेक्ट का होता है ये बढ़ता है नेट फोर्स साथ, सिंपल सी बात है बढ़ता है, लेकिन किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फिर से आप देखने को मिल गया, देखा फ्रेंड आपका तो आपका एस्केलेशन आपका जो होता है ना फ्रेंड आपका वो नेट फोर्स पे तो इंक्रीज करता है, ये डिपेंड करता है मास पे, ठीक है फ्रेंड अपना, क्योंकि अगर मास कम होता है तो एस्केलेशन बढ़ता है और अगर वो कम होता है तो ये बढ़ता है, तो क्या आपका आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी का फ्रेंड सही आंसर, क्योंकि डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है मास पे, डिपेंड करता है। चलिए फ्रिक्शन आपका एक्ट करता है मोशन के ऑब्जेक्ट, तो किस पर करता है हमारे हम सभी जानते हैं कि फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो फ्रिक्शन क्या करता है उस चीज़ों को रोकने में मदद करता है, तो फ्रिक्शन क्या होता है ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑब्जेक्ट, क्या करता है हमेशा अपोजिट में रहता है मोशन ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना माइडिया। चलिए बहुत अच्छा लगा फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन आप लोग का फ्रेंड, आप फ्रेंड आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है इसमें, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल, देखते हैं आप लोग कितना सही इसमें करते हैं, ठीक फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सही होंगे फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, फिर आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड यहाँ पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन 16 तो अपना फ्रेंड यहाँ पे हो चुका, क्वेश्चन 16 पर अपना हो चुका, हाँ क्वेश्चन 16 अपना हो चुका, 16 का आपका आंसर क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक है ना, अपोजिट होता है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है फोर्स का उल्टा होता है। अच्छा एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक इस टॉपिक किसके टाइप से माइडिया, तो ये सभी हमारे किसके टाइप से, सभी हमारे मसल्स के टाइप है, किसके टाइप से, सभी हमारे मसल्स के टाइप हैं, ठीक है ना माइडिया। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपन क्वेश्चन पे, अपना जो अपना सोर्स होता है इंटरेस्ट यानी आपके अंदर वाला मोटिवेशन कौन देगा आपको, अंदर से अगर मोटिवेशन होगा तो कौन देगा, टीचर्स देंगे, टीचर्स नहीं दे सकते, टीचर्स तो बाहर ही आपको मोटिवेट कर सकती हैं, फैमिली भी नहीं कर सकती है, सिबलिंग नहीं, अगर आपको खुद से मोटिवेट होते हो आप तो इंटेंसिव यानी कि अंदर ही मोटिवेशन कौन सा होता है, तो आपका होता है सेल्फ, अगर आप सेल्फ डिटरमाइन कर लो ना भैया मुझे ये काम करना तो आप करके रहोगे, तो सोर्स क्या होगा इंटेंसिव मोटिवेशन का, वो होगा सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना मैडियम। चलिए मूविंग करते हैं क्वेश्चन 19 पे आते हैं, देखिए फ्रेंड जब आप यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हो मल्टी जिम में तो कौन सा मस्कुलर कंट्रैक्शन आपका होता है, तो आपका वो होता है आइजोटोनिक, कौन सा फ्रेंड अपना होता है वो अपना आइजोटोनिक फ्रेंड अपने यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड अपने यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड आपके साथ। चलिए रेसिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट द फैटिग्यूर क्या होता है माइडिया,
तो फ्रेंड आपका सही आंसर फ्रेंड इस क्वेश्चन का होगा वो होगा आपका एंड्योरेंस। क्या फ्रेंड क्या होगा इसका सही आंसर आपका एंड्योरेंस होगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो फ्रेंड हम लोगों ने क्या किया है आपके साथ पूरा ये तो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन छूट गए हों या जो भी क्वेश्चन मैंने कहा कि आपको अभी मैं शोर करके कमेंट करता हूँ तो उसको देखना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए माइडिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर सबसे पहले सॉल्यूशन मिल रहा है, और बिलीफ मैं आपको देता दिलाता हूँ फ्रेंड आपको मैं अभी फ्रेंड बिलीफ दिलाता हूँ कि जस्ट इसके बाद इंग्लिश की वीडियोस आ रही है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, फ्लेमिंगो विस्टास से क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है हम लोगों ने पहले बता दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि चेक करिएगा, और जस्ट लाइव आके हम आपके पूरा पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन छूट गए इसमें या जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगते नहीं भैया सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए सर, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर पूरा रिव्यू करेंगे, पूरा चेक करेंगे, और आपको वहाँ पर कमेंट करके बता देंगे, ठीक है माय डियर। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट आप कमेंट करिए कि देखते हैं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, सी यू वेरी सून माय डियर।